हे दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम फोटोशॉप में कलर करेक्शन करना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास कभी कभी ऐसे इमेजेस रहते हैं जो हम फोटो शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क रहते हैं, तो उसका कलर करेक्शन हमें करके उसको अच्छा बनाना रहता है। तो हमारे पास दोस्तों एक इमेज है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कितना ज़्यादा डार्क है, इसका कलर करेक्शन करना है दोस्तों हमें और इसको अच्छा बनाना है। तो दोस्तों ये देखिए इमेज, और ये देखिए ये कितना डार्क दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, और ये कितना अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों इसको कलर करेक्शन कैसे करना है आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों हम फोटोशॉप हमारा ओपन है, तो यहाँ पे इमेज को लेके आएंगे हम ड्रैग करके। तो यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे लाके, तो ये इमेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। अब इसका हमें कलर करेक्शन करना है दोस्तों, तो इसका हम दूसरा लेयर बना लेंगे, एक डुप्लीकेट लेयर। तो दोस्तों इमेज एडजस्ट में यहाँ पे इसकी कलर सेटिंग है, आप ब्राइटनेस यहाँ से लेबल, कर्व, एक्सपोजर, कलर बैलेंस यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं, ऑटो कलर कर सकते हैं दोस्तों। ऑटो कलर है शिफ्ट कंट्रोल एल। तो हम आपको ऑटो कलर करके दिखाते हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर है अब ऑटोमेटिक इसका कलर ले लेगा। तो वैसे शिफ्ट कंट्रोल एल करेंगे तो आप देख लिए कैसे एक झटके में चेंज हो गया। तो दोस्तों कभी कभी शिफ्ट कंट्रोल एल ऑटो कलर करते हैं तो इमेज अच्छा होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो आप चेक करेंगे कि कहाँ पे वो अप्लाई अच्छा करता है। तो हमने शिफ्ट कंट्रोल एल किया, उसके बाद में दोस्तों इसमें थोड़ा सा और करेक्शन करेंगे, कंट्रोल बी कलर बैलेंस। कंट्रोल बी शॉर्टकट बटन है दोस्तों, आप यहाँ से भी जाके ले सकते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे, कलर बैलेंस यहाँ पे देखिए कलर बैलेंस। तो यहाँ से दोस्तों रेट बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और ये ग्रीन थोड़ा सा, येलो थोड़ा सा। तो ये रेड ग्रीन ब्लू आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से कितना चाहिए। और दोस्तों कंट्रोल एल करेंगे लेबल, आप यहाँ से भी लेबल ला सकते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, हम आपको शॉर्टकट की बताते हैं और यहाँ से भी बताते हैं। ये देखिए लेबल, यहाँ से डार्कनेस ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से थोड़ा ब्राइटनेस कर सकते हैं, देख रहे हैं कैसे। और ये आउटपुट लेवल है, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों कंट्रोल एम है, एक कंट्रोल एम करेंगे यहाँ से कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंट्रोल एम, तो अभी आ जाएगा। अभी तक आए नहीं दोस्तों, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है भी हो जाता है कभी कभी, तो टूल लोड होने में टाइम ले लेता है। कंट्रोल एम हम कर रहे थे दोस्तों कर्व के लिए, तो यहां से ले लेते हैं। तो यहां से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, आप इसको ज्यादा कर देंगे तो पूरा ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए आरजीबी है, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, तो तीनों कलर का ब्राइटनेस एक साथ में बढ़ता है। आप चाहें तो एक एक कलर का यहाँ से ब्राइटनेस डार्कनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम तीनों एक साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि सिर्फ रेड ज़्यादा हो गया है इमेज में, तो सिर्फ रेड सेलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर करेंगे तो वो ब्राइटनेस बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो डार्कनेस होगा। तो इस तरह आपको एडजस्ट करना है दोस्तों, तो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं पहले का इमेज कैसा दिख रहा है और अभी का इमेज कैसा दिख रहा है। अगर दोस्तों इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएंगे, इमेज के अंदर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राइटनेस यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एकदम कम कर सकते हैं आप, पहले जैसा इमेज हो जाएगा, लेकिन हमें एकदम कम नहीं करना है। आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार कर सकते हैं इमेज में देखते हुए कि कैसा हो रहा है। यहाँ से ओके कर देंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कलर करेक्शन थोड़ा पहले से अच्छा लग रहा है। पहले का इमेज देखो दोस्तों और अभी का देखो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।